रविकांत जी अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, मेरा नाम रविकांत चुरवैया है। मैं दमोह जिले से पला बड़ा हूँ। मेरी बेसिक स्कूलिंग वहीं से कम्प्लीट हुई है। मैंने ग्रेजुएशन अपना इंदौर से किया है, श्री गोविंद राम शेखरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस। और मेरे पिताजी का बैकग्राउंड फार्मिंग से रिलेटेड है। इससे से लीजिए फार्मिंग से रिलेटेड है। फार्मिंग से, ओके। आपकी फैमिली में और कौन कौन है? सर, मेरे बड़े भाई हैं, वो सिविल सर्विसेज एमपीपीएससी सिलेक्टेड हैं, और एक मझले भाई है मेरे। मतलब आप तीन भाई हैं? जी सर, तीन भाई। आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? सर, मेरी हॉबीज में सर्वप्रथम तो मैं सोलो बाइक राइडिंग को रखता हूँ, दूसरे में मेरा क्रिकेट है, और तीसरा फुटबॉल में कभी कभार खेलता हूँ। ओके, सोलो बाइक राइडिंग मतलब थोड़ा सा इसको बताएंगे इसके बारे में? जी सर, जब मैंने इंदौर में कॉलेज शुरू किया था तो मेरा आना जाना बस से हुआ करता था सर। फिर एक बार मैंने सोचा कि चलिए बाइक से देखते हैं कैसा लगता है, फिर तभी से मेरा एडवेंचर करने का मन लगातार हो गया सर। काफी अच्छा तो एक एक्सपीरियंस रहता है, आपका थॉट प्रोसेस पूरा क्लियर हो जाता है, माइंड क्लियर हो जाता है, और काफी पीसफुल एक मेरे लिए एक्सपीरियंस रहता है सर। तभी से मेरी हॉबी रही है। तो आप सोलो बाइक राइडिंग में कहाँ तक गए हैं अभी? मैंने इंदौर से सीधा दमोह, जो कि 500 किलोमीटर पड़ता है, वो मैंने कई बार ट्रेवल किया है। इसके अलावा कोई टूरिस्ट लोकेशन पे कभी आप गए हैं बाइक? जी सर, जी सर। कहाँ पे? दमोह से जुड़ता हुआ नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ भी मैं यहाँ से जाता हूँ। वहाँ पे आपचंद की गुफाएं मौजूद है, वहाँ भी मैंने घूमा हुआ है। सिंग्रामपुर जो है वहाँ पे दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे भी मैं गया हूँ सर। बाइक से मैंने काफी डिस्टेंस। बाइक आपके पास कौन सी है? जी, पल्सर 150cc। पल्सर 150cc है। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर्स होता है सर, वॉल्यूम। क्यूबिक सेंटीमीटर्स। क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ओके। पल्सर में GTSI टेक्निक का इस्तेमाल होता है, वो क्या होती है? ये सर स्पार्क जो इग्निशन होता है उसका एक स्पेसिफिक टाइप है। तो क्या टाइप है, थोड़ा इसके बारे में आइडिया बताइए आप। सर जैसे आप डीजल इंजन में ये होता है कि मिक्सचर यूज होता है डीजल और एयर का, वो सेल्फ इग्निशन के थ्रू जलता है। पर पेट्रोल व्हीकल्स में ऐसा रहता है क्योंकि इंटरनल कंबशन इंजन में स्पार्क प्लग यूज होता है सर। ओके। GTSI में सर दो स्पार्क प्लग यूज किए जाते हैं ताकि कभी भी ऐसे दिक्कत ना आए स्पार्क इग्निशन होने में। आपका मैकेनिकल बैकग्राउंड है मैंने देखा, तो मैकेनिकल में तो ऑटोमोबाइल भी आता ही है। यस सर। तो ऑटोमोबाइल में टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक बेसिक चीजें होती हैं। यस सर। इसमें सबसे ज्यादा पावर कौन जनरेट करता है? सर टू स्ट्रोक ज्यादा पावर करता है, लेकिन एफिशिएंट फोर स्ट्रोक ज्यादा होता है। तो फोर स्ट्रोक एफिशिएंसी किस सेंस में जनरेट हो पाती है फोर स्ट्रोक से? बेसिकली सर ऑटोमोबाइल्स वर्क करते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में। ओके। फोर स्ट्रोक में सर ऐसा होता है कि फ्यूल मोर एफिशिएंटली बर्न होता है, जिस वजह से ज्यादा माइलेज मिलता है कम डीजल पेट्रोल में, कम लीटर्स में, तो सर ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। पर टू स्ट्रोक पावर ज्यादा देता है पर उसमें पॉल्यूशन ज्यादा होता है। अच्छा, अगर हम पेट्रोल को डीजल से चेंज करें तो क्या चीज पे अंतर आता है, इंजन में क्या दिक्कत होगी? पहली बात तो इंजन स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। पेट्रोल को डीजल से अगर रिप्लेस करें तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, ऐसा क्यों? तो क्योंकि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो होता है डीजल का, वो स्पार्क प्लग के थ्रू नहीं वो अचीव कर पाएगा, या फिर सर गाड़ी चलेगी भी तो थोड़ी देर चलेगी और जैम हो जाएगा इसका पिस्टन इंजन सिलेंडर जो है वो ज्यादा देर तक काम ही नहीं कर पाएगा। ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ऑक्टेन नंबर बेसिकली पेट्रोल की एक ग्रेड करने का एक वो है, जितना अच्छा ऑक्टेन नंबर रहेगा उतनी अच्छी पेट्रोल की क्वालिटी रहेगी सर। तो इसका नॉकिंग से क्या संबंध है? तो जितना वैल्यू वाला अपना पेट्रोल होता है उतनी कम नॉकिंग होती है। नॉकिंग एक साउंड होता है सर जो गाड़ी प्रोड्यूस करती है, तो ये कम होता जाता है जैसे जैसे वैल्यू ऑफ पेट्रोल या क्वालिटी ऑफ पेट्रोल हम बढ़ाते जाते हैं। आपने बोला नॉकिंग एक तरीके का साउंड होता है, तो ये साउंड किस तरीके से, किस वजह से कार प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न किस वजह से होता है अगर हम बोले तो? सर पिस्टन सिलेंडर में जो कार्य चल रहा होता है, ये जैसे ही फ्यूल हमारा जलता है तो उसमें एक पल के लिए ऐसा आता है कि वो जितना मिक्सचर का थोड़ा सा पॉइंट रहता है वो ब्लास्ट हो जाता है, एकदम वो जल नहीं पाता, वो ब्लास्ट होता है, तो उस वजह से सर साउंड आता है नॉकिंग का। इंजन से नुकसान क्या होता है?
सबसे वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, जंग पैदा होता है जिससे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमारा ढीला होता जाता है, वो कमजोर होता है सर, उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं पिस्टन के। ओके अनूप सर। रविकांत जी, जैसे आप नौरा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस रहता है, और एक थर्ड टर्म और यूज किया जाता है सर, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है और दो टर्म और है कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व, तो इसमें जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, इनमें डिफरेंस क्या है ये पांच टर्म हो गए टोटल? टर्म इनका डिफरेंशिएशन बेसिकली इसी बेसिस पे है कि कितनी आजादी वहां की रहने वाली पॉपुलेशन को दी जा रही है। जैसे नेशनल पार्क है उसका कोर एरिया, वहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, ना वहां ग्रेजिंग करा सकते हैं, ना वहां माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेने जा सकते हैं, कोई भी अलाउड नहीं है। और जहां पे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो यहां पे थोड़ा रिलैक्सिबिलिटी है, थोड़ा सा आपको यहां पे ग्रेजिंग राइट्स मिल जाते हैं, आपको यहां पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेने का मौका मिल जाता है, ये रहता है। और कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व ये एक तरह के बफर की तरह काम करते हैं सर, ट्रांजिशन जोन की तरह काम करते हैं। कम्युनिटी रिजर्व हमारे कम्युनिटी के अंदर रहता है, पंचायत के अंदर रहेगा या फिर प्राइवेटली ओन रहेगा, और कंजर्वेशन रिजर्व रहता है जो सर वो गवर्नमेंट ओन रहता है, कंजर्वेशन पूरी तरह से गवर्नमेंट ओन रहता है, तो वहाँ पे भी ट्रांजिशन जोन ही रहता है। आपने कोई जैसे यहाँ पर गए हैं तो फाइव कोई ऐसे प्लांट स्पीसीज जो आपने देखे हो, ट्री स्पीसीज और फाइव जो एनिमल स्पीसीज के नाम? तो एनिमल स्पीसीज और ट्री स्पीसीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, ट्री में सर मैं स्टार्ट करता हूँ। ट्री में सबसे ज्यादा तो सागौन ही है, बुंदेलखंड में सागौन पाया जाता है, इसका साइंटिफिक नेम टेक्टोना ग्रैंडिस है। दूसरा सर मैंने यहाँ पे देखा है तेंदूपत्ता, तेंदू का जो ट्री होता है वो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, काफी मात्रा में पाए जाते हैं, इसका सर साइंटिफिक नेम है डायस्पोरस मेलानोम। तीसरा सर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा बेरी, बेरी का जो पेड़ होता है वो हमारे यहाँ काफी पाया जाता है। चौथा सर जिसे हम उर्दू भाषा में बोलते हैं बबूरा, और उसका वैसे साइंटिफिक नेम केसिया निलोप्टिका है, वो भी हमारे यहाँ पाया जाता है। और सर आखिर मैं बोलना चाहूंगा नीम, नीम और पलाश दोनों ही हैं, पर नीम और पलाश ज्यादा मात्रा में रूरल एरिया में पाया जाता है, नीम ज्यादा एरिया में अर्बन एरिया में पाया जाता है। ठीक है, आपके यहाँ तेंदूपत्ता का कलेक्शन होता है? जी सर। तो कलेक्शन किस टाइप से करते हैं, क्योंकि नेशनलाइज ने पहले ही नेशनलाइज कर दिया, तो कैसे प्रोडक्शन किया जाता है उसका? गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो कॉन्ट्रेक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनके थ्रू संग्राहक से ये काम करवाया जाता है। तो संग्राहक जो होते हैं जैसे ये जून से अभी अप्रैल मई जून इस मंथ में इनका कलेक्शन करते हैं, उनको लाते हैं, धुलते हैं, सुखाया जाता है, फिर 50-50 की गड्डियां बनाई जाती है जिसमें 25 एक डायरेक्शन में 25 दूसरे डायरेक्शन में रखे जाते हैं, और इनका फिर 50 गड्डी का एक मानक गड्डी मानी जाती है, उसको फिर 1000 गड्डियों से एक मानक बोरा बनाया जाता है और इसको सूट दिया जाता है। मतलब इसका आपको एक बेसिक आइडिया है तेंदूपत्ता कलेक्शन का। जी सर। अभी जैसे चंबा यहाँ पर हमारे यहाँ कुरु में चीता का रीइंट्रोडक्शन किया गया है, तो इसके बारे में अभी कुछ अपडेट जो कंटेम्पररी कुछ कमिटी बनी हो, इस टाइप की कुछ कोई न्यूज हो, क्या बना है कुछ? जी सर, रिसेंटली मैंने सर यही पढ़ा है कि अभी फेज टू चालू होने वाला है, तो उसमें मंदसौर के जो लोग हैं रहने वाले और वो विरोध कर रहे हैं क्योंकि वहाँ फेंसिंग होने वाली थी 28 किलोमीटर की, तो वहाँ पे एक रोड जारी है जिसपे अभी थोड़ा विचार करने की बात करते हैं। चीता के अलावा अपने स्टेट में और भी एनिमल्स हैं जिनका इंट्रोडक्शन किया गया है या रिहैबिलिटेट किया गया है? और दूसरा चीता प्रोजेक्ट में भी ऐसा है तो कि बोला गया है कि कुछ और एनिमल है, क्योंकि कुनो की कैपेसिटी बोला गया है कि 2025 के आसपास है। कुछ न्यूज ऐसी है कि हम लोग साउथ अफ्रीका से और अदर अफ्रीकन कंट्रीज से 100 के आसपास और चीता ले आने की सोच रहे हैं, तो ये कहीं और भी बसाए जाने की प्लानिंग है क्या एमपी में? जी सर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राजस्थान एक अल्टरनेटिव प्लेस हो सकती है, तो वहां भी चला जा रहा है कि वहां भी शायद चीतों का जो हैबिटेट है वो वहां पाया जा सकता है, वहां रिलोकेट कर सकते हैं। तो सर एमपी में कहाँ पर? तो सुप्रीम कोर्ट का तो मुझे इसमें नहीं लगा, बट जो बाय लार्ज है कौन सी बॉडी है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को रेगुलेट कर रही है? एनटीसीएस है इसको रेगुलेट कर रही है, एनटीसीएस कर रही है। और इसमें रिलेटेड कोई रिसर्च से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट? तो इंस्टीट्यूट का मुझे आइडिया नहीं है सर, थोड़ी सा मुझे पढ़ना पड़ेगा। अभी इसमें जो है स्टीयरिंग कमेटी बनी है, पहले इस पर चीता टास्क फोर्स बनाया गया था और अभी रिसेंटली एनटीसी ने वहाँ पर प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी बनाई है नेक्स्ट टू ईयर के लिए, तो उसके चेयरमैन वगैरह का कोई आइडिया है?
नहीं सब इस बारे में पढ़ना पड़ेगा मुझे। करंट में फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है एमपी के? जी कुमार विजय साहब। मैनिंग फॉरेस्ट फायर की आजकल क्योंकि गर्मियां चल रही हैं तो उसके इशू है, तो फॉरेस्ट के जो फायर है मेजोरिटी जो एमपी में होते हैं किस टाइप से होता है? कॉजेस या नेचुरल क्या फॉरेस्ट फायर के आप दीजिए और कॉजेस शॉर्ट में जितना क्विक बता सके टू द पॉइंट। तो अनएक्सपेक्टेडली जो चालू हो जाती है एक बार फायर उसी को कम कहते हैं, और सबसे ज्यादा उड़ीसा में इंसिडेंट पाया जाता है, उसके बाद एमपी है। एमपी में सर तो इंसानों मानवीय भूल है उसकी वजह से जो आग लगती है, और इसके रोकथाम के तरीके सर काउंटर फायरिंग होता है एक तो वो, और एक सर हमको बीच में गैप देना पड़ता है ताकि जंगल एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ना बोले, इसके हम रोड बना देते हैं बीच में कच्चे रास्ते या उस करके, और तीसरा सर यही दो रास्ते से जो हम इस करते थे। सुवेंद्र सर आपको पूछना है कुछ? जी सर, एक्चुअली में तेंदू पत्ते में कोई रोग वगैरह है बीमारी पाई जाती है? बीमारी तो ऐसे मुझे अभी नहीं पता है सर, पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसकी ग्रेडिंग वगैरह का कोई सिस्टम का आइडिया है आपको? बेसिक कोई आइडिया सर? ये क्या बोलते हैं सर, पत्ते बना के मानक बोरा बना के बेच देते हैं, फिर क्वालिटी के बेसिस पे इसकी नीलामी होती है। अगर पहले से इसका कोई वो क्या बोलते हैं लाट और जो क्षेत्र होता है उसके बेसिस पे इनको डिवाइड करते हैं, अगर पहले से ये डिसाइड नहीं है तो जो कलेक्ट हुआ है उसका फिर बोली लगती है सर, तो ग्रेड के बेसिस पे उसको बेचा जाता है। इसका प्राइस क्या रहेगा? जैसे सर 3 रुपए की एक गड्डी रहती है तो उसका बेस इधर उधर चेंज होता है प्राइस। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है कि जो ग्रेडिंग करते हैं उसका कोई मानक है कि पत्ते का आकार इस सेंस में होगा या फिर कोई और है कि क्वालिटी सूखा पत्ता गीला पत्ता किस बेसिस पर ग्रेडिंग करते हैं, इसका तो कोई आइडिया है? कलर के बेसिस पे मैंने सुना है कि जितना लाल टाइप का होगा तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी मानी जाती है। लाल टाइप का? हाँ सर, थोड़ा सा वो और सर मोड़ने का रहता है कि इतने अच्छे से वो फोल्ड होगा उतना अच्छा उसकी पत्ता लाल है, इसका मतलब वो ताजा न्यू लीव्स है और उसके कड़क होने की सूखने की गुंजाइश ज्यादा रहती है, तो उससे जब बीड़ी है तो टूटने के डर ज्यादा रहता है। पोर्टेबिलिटी मैटर करती है। हाँ, तो फिर ऐसे केस में उसकी क्वालिटी वेरी कर सकता है। बस मेरे एंड से हो गया है, आप लोग तो सजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ग्रेजिंग और ब्राउजिंग में कोई डिफरेंस है? तो ग्रेजिंग में हम जो लैंड है उस पर ले जाके अपने कैटल्स को चराते हैं, और ब्राउजिंग में हम ऊपर ऊपर की जो लीव्स रहती है उनको खिलाने का वो करते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में समाचार पत्रों में प्रकाशित किया था कि मध्य प्रदेश सरकार वर्तमान में जो चीता है उन्हें किसी मध्य प्रदेश के एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिलोकेट करना चाह रही है, तो वो सेंचुरी कौन सी है और कहाँ पर है? तो स्टार्टिंग में ही ये बात चली थी कि शायद नौरा में ही मैं इनको लाया जाएगा चीताज को, लेकिन फिर कूनो शिफ्ट कर दिया गया था क्योंकि वहाँ का जो हैबिटाट है और जो वहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं वो उनके हैबिटाट से काफी मैच खा रहे थे, तो वहाँ पे प्रेवेज भी चीतों के हिसाब से ज्यादा है वहाँ पे, तो वो ठीक है सर। मेरी एंड्स हो गई। मेरी आपकी नॉलेज अच्छी है, ये बात आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। आपके साथ जो दिक्कत मुझे लग रही है वो ये है कि नॉलेज तो है बट आपकी मुंडी बहुत ज्यादा वाइब्रेशन मोड में है, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं तो एक स्टेबिलिटी सी दिखती है आपके केस में, आप बिल्कुल ऐसे बिल्कुल उस तरीके से चल रहे हैं, तो वो चीज थोड़ी अवॉइड करें, ठीक है। दूसरी चीज, आपने सोलो बाइक राइडिंग अपनी डीएफ में वहां भी लिखा है क्या, एमपीपीएससी के फॉर्म में, मतलब जो इंटरव्यू पैनल के लिए लिखी गई है आप? सर एक बार हाँ, वहाँ पे लिखा है सर, मैंने यूपीएससी सीएपीएफ का भी इंटरव्यू दिया, उसमें ही मैंने ये लिखा हुआ था। ये सोलो बाइक राइडिंग एज सच कोई हॉबी मैंने अभी तक नहीं सुनी, बाइक राइडिंग हो सकती है मैं मानता हूँ, आपके केस में बाइक राइडिंग भी जो है वो बेसिकली एक ट्रेवलिंग मोड है आपकी, बाइक राइडिंग में तो हॉबी जब जाती है तो हॉबी का मतलब ये भी हो गया कि आप एक पर्टिकुलर एरिया एक्सप्लोर करके आए हो, वो चीज एक मिसिंग है। सेकेंड चीज, अभी हम लोगों ने ये पूछा नहीं है बट ये क्वेश्चन हमेशा उठेगा क्योंकि आप SGSITS से हैं जो MP का मतलब स्टेट लेवल पे नंबर वन कॉलेज आता है मैनेज के बाद, ठीक है। आपने वहां से मैक इंजीनियरिंग की, मैक के बाद आप सब छोड़ छाड़ के मतलब मैक का आपने कुछ भी नहीं लिया, आप फॉरेस्ट में जाते हैं, तो रिसोर्स वेस्टेज का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि आपने गवर्नमेंट का रिसोर्स वेस्ट किया, तो इसके लिए रिगार्डिंग अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर रखिएगा।
इसको मैंने ऐसे प्रिपेयर किया है कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी सिविल सर्विसेज में हैं इंजीनियरिंग करने के बाद, तो मैं अपना मोटिवेशन उनको बोलता हूँ। और रिसोर्स का सर ऐसा है कि ये तो यूटिलाइज ही होना है आगे चल के, क्योंकि ये कभी वेस्ट नहीं जाता, ये ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स का एक एनरिचमेंट ही है। कम से कम मेरे पास ज्यादा डायमेंशन का नॉलेज रहेगा तो मैं इस डिपार्टमेंट में ज्यादा अच्छे से सर्व कर पाऊंगा, तो ऐसे करके मैंने इसको डिफाइन करने का सोचा। ये ठीक है आपका, लेकिन इस पर थोड़ा सा काम जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये होता क्या है कि जब आप जो आपने दिया कि आपके बड़े भाई सिविल सर्विसेज में है इंजीनियरिंग से करने के बाद, तो वो चीज थोड़ी सी एक सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से ज्यादा अच्छी नहीं होती है। इस चीज को थोड़ा सा देखते चले। बाकी फॉरेस्ट्री आपकी अच्छी है, मतलब जब आप बिल्कुल टिप टू पॉइंट है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, ये चीज थोड़ी अच्छी लगी आपके डिपार्टमेंट में। और जो भी आपने लिखा है उसके बारे में आप थोड़ा सा रीड करके आए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं पूछ रहा हूँ तो आप कुछ भी जवाब दे रहे हैं, ये चीज थोड़ी अच्छी है। और आपके मार्क्स जो है वो भी अच्छे हैं, जिससे आपको अगर मैं सीए ओबीसी में आप हैं तो कम से कम रेंजर तो आप बन ही जाएंगे, इतने मार्क्स तो भी आपके हैं। अनूप सर मेरे साथ मार्क्स कितने हैं? 285 मार्क्स के हिसाब से ठीक है। इसमें ईसीएफ की पोस्टें कितनी है उसका आइडिया नहीं है, बट डिस्कस किया जा सकता है ईसीएफ के हिसाब से। और नहीं भी है तो रेंजर में ठीक ठाक, अगर स्टार्टिंग में आप अच्छा करिए अंडर 10 में आ जाते हैं तो फिर फ्यूचर में प्रमोशन वगैरह जो अदर रिलेटेड इशू है, ट्रेनिंग में रैंक ठीक है तो फिर जल्दी हो जाती है स्टार्टिंग। कार्गो में तो कोई दिक्कत नहीं लगी आपकी, बिल्कुल ठीक है। फॉरेस्ट्री वगैरह है, थोड़ा बहुत आपके लोकलिटी का है जैसे तेंदूपत्ता हमने पूछ लिया, तो जरूरी नहीं कि वहाँ पर भी पूछें, फिर भी थोड़ा बहुत देख लीजिए आप अपने एकेडमिक्स को एक बार देख लेना। yes. थोड़ा बहुत एकेडमिक्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोग, टाइम लिमिटेशन रहती है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं पूछ पाते हैं, संभव है कि वो थोड़ा बहुत फॉरेस्ट्री में भी पूछ लें। तो एक बार रफली जो आपने पढ़ा था जैसे फॉरेस्ट नर्सरी के टाइप, फॉरेस्ट फायर क्या है, इनसे करंट में कोई न्यूज वगैरह है, ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड इशू है उन्हें देख लेना, मीन्स न्यूज वगैरह एक बार इन्हें भले लिख लेना लेकिन कम से कम उन्हें देख लेना एक बार, क्योंकि वहाँ पर फॉरेस्ट्री वाले भी बैठे होते हैं, सीएफ या सीसीएफ जो भी बैठा होगा वो फॉरेस्ट्री का भी है। आप फॉरेस्ट्री सेक्टर में ही क्यों आना चाहते हैं, फॉरेस्ट्री में ही जॉब ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, आपके पास अदर अल्टरनेटिव भी है भाई। और यहाँ पर अगर आरएफओ मिलते हैं बनते भी हैं तो शायद है सैलरी 38-40 के आसपास, 42 के आसपास रहेगी। जनरली जिनकी लाइफ थोड़ी इस टाइप से है जो सिटी लाइफ है, वो आरएफओ जैसी फील्ड में जो रूरल लोकेशन है उसकी, उसमें उतना फिट नहीं बैठते हैं, 3-4 साल 5 साल करके ट्रेनिंग करके निकल लेते हैं। वहाँ पर थोड़ा आप देख लीजिए कि आप उस पोस्ट पे क्यों जाना चाहते हैं। तो मैंने ठीक है फॉरेस्ट्री वाले ये जो कंटेम्प्रेरी इशू हैं उनको एक बार देख लेना जो एफबी से जुड़े हुए हैं। आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि बाइडन जीते या ट्रंप जीते, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के ठीक है हॉबी वगैरह है, बाइक राइडिंग है, उसके बारे में कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, कुछ पहले से हो उसके बारे में थोड़ा अपनी जो भी है हॉबी को थोड़ा बहुत देख लीजिए। मैंने मेरी तरफ से थैंक यू सर। इंदौर से आपका ग्रेजुएशन था, तेंदूपत्ता का जस्ट था, तो उसका मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको क्लियर है इन्फॉर्मेशन नहीं थी उसकी, तो एक बार वैसे तो बेसिक का आइडिया आ गया कि हाँ थोड़ा बहुत आइडिया है कि कैसे किया जाता है, लेकिन वो लाल पत्ती वाला जब बताया तो उससे लगा कि शायद थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है उसका। और सुनिए थैंक यू सर। जी नहीं सर, थैंक यू सर। सर आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितना जा सकता है ओबीसी का रेंजर? पास अभी डाटा नहीं है, एक बार सबका डाटा आ जाए तो कुछ बताया जा सकता है। अभी हमारे पास लगभग 60% का डाटा है। और हमने भी एक पोल कराया था तो हमारे पास भी करीब 200 का गूगल फॉर्म में डाटा था, उस हिसाब से हमने 300 के आसपास एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं ओबीसी का। हाँ इतना जा सकता है, टोटल डिपेंड करता है इंटरव्यू पैनल कैसे मार्क्स देते हैं, वो खुन्नस खाए बैठे हुए होंगे आपको 15-20 मार्क्स दे दें तो नीचे आ जाएगा।
ठीक दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका परफॉर्मेंस हिसाब से आपको 35 से 40 के आसपास आराम से दे देंगे, थोड़ा बहुत ऊपर भी दिया जा सकता है लेकिन ये एक एवरेज कर रहे हैं। बट बेटर मैं ये बोलूँगा कि जितना आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सको, प्रिपेयर कर सको, क्योंकि ये वैसी फेज है कि जहाँ एक एक मार्क्स की जो है ना पूरी मार्कआउट है। आपने अभी तक जितना भी क्रॉस किया, प्रीलिम क्रॉस किया है, मैथ्स क्रॉस किया है, ये बिल्कुल फाइनल फायर फाइटिंग है। यहाँ पर आप एक मार्क्स अदर मार्क्स उससे आप दो चार पीछे होते हैं, आगे होते हैं और फिर पूरी लाइफ स्ट्रगल चलता है। ओके थैंक यू।